अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं सुनिए सर। सरकारी सभा रिपीट होगी ये निश्चित है, क्योंकि माई बात जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। मैं केरल गया था, केरल के अंदर 70 साल तक एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आते थे। इस बार सिर्फ इसलिए रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कि कोविड में अच्छा काम किया। तो अगर वहाँ के लोग समझदार, हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं, लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का। बिरोड़ा मॉडल हमारा पूरे WHO तक पहुँच गया, और साथ में जो हमने कानून पास किए हैं वेलफेयर के, स्कीम लेके आए हैं, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया, चेंज योजना लेके आ गए, जो 25 लाख का बीमा था 50 लाख का कर दिया, हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। OP लागू कर दिया, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, क्योंकि उनकी सिक्योर हो गई रिटायरमेंट के बाद लाइफ। मैं समझता हूँ कि और भी कई कारण हैं कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे फैंस लोगों ने लाइक किया। इसलिए कई जगह राजस्थान में एंटी इनकमबेंट नामी चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। तो अगर सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं लग रही है तो संभावना ये है कि आप सरकार बनाओगे वापस। सर लोग यही कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स हैं, MLAs हैं, उनके खिलाफ नहीं, वो भी मैं समझता हूँ कि देखिए, एक तो झूठा बदनामी बहुत किया गया जानबूझ के RSS BJP ने। MLA के बारे में कह रहा था कि भाई 40 दिन तक हमारे साथ रहे थे वो, जिस प्रकार BJP का जो षड्यंत्र है सरकार गिराने का, हॉर्स ट्रेडिंग करके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक सरकार गिरा दी, 50 बार MLA टूट गए वहाँ पर, कोई 25 करोड़ की बात करे, कोई 30 करोड़ की बात करे, 35 करोड़ की बात करता है। हमारे यहाँ पहली किस्त 10 करोड़ की थी, अगर MLA कोई साथ दे उनका तो सरकार गिर जाती हमारी। एक MLA छोड़ कर नहीं गया हमें, अगर वो करप्ट होते तो 10 करोड़ रुपये कौन छोड़ता। तो ये बकवास है कि भाई सब करप्ट लोग थे। हाँ, करप्शन कहाँ नहीं होता है, कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इसलिए वो जो लोग उम्मीद करते थे कि टिकट रिपीट होंगे तो लोग रिवोल्ट करेंगे, वो रिवोल्ट भी नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा रिवोल्ट हुआ BJP के अंदर हुआ है। आप सोच सकते हैं कि BJP क्यों रिवोल्ट हुआ ज़्यादा। तो इसलिए माहौल हमारे पक्ष में लगता है। सर प्रचार के जो है हमेशा निशाने पर रहे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई स्टेट के मुख्यमंत्री भी आए, चुनाव को पलटने की कोशिश की गई, दूसरा भी रंग दिया गया। आप कह रहे हैं आपने चुनावी सभाओं में आप लोकल इश्यूज पे बात करते रहे, लेकिन सेंटर में आप रहे, ऐसी भविष्यवाणी भी की गई कि आप जादूगर का जादू छू मंतर हो जाएगा और ये सब हो जाएगा। क्या लगता है आपको, आज जनता जो वोट करेगी तो इन बातों का असर पड़ेगा या आपके जो आपने क्या क्या नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और पांच अच्छे मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री क्या क्या नहीं बोले हैं मेरे बारे में, ED का कैसे कैसे उपयोग किया सब जानते हैं, PC प्रेसिडेंट के, CM के परिवार वालों पर उसने छोड़ा, सब होने के बावजूद भी लोग समझते हैं कि बकवास कर रहे हैं। इनका जो लहजा था बोलने का वो अच्छा नहीं था, लोकल इश्यू बात नहीं कही उन्होंने। तो मेरा मानना है कि लोग समझ गए हैं, इन्होंने हमारी कोई स्कीमों को टच ही नहीं किया, आलोचना करते उसकी कुछ नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि इस बार जो है मानस बन चुका लोगों का सरकार रिपीट करने का। सर आखिरी सवाल आपसे, लोगों से क्या कहना है लोगों से आज, कि आज वो आपके काम पर वोट दें, आपके नाम पर वोट दें, या क्या अपील रहेगी? आप राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये आपकी अगर चौथी टर्म रहेगी, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं सरकार आती है तो क्या कहेंगे आप, आपका ये 3 देखिए वो फैसला हाईकमान करता है हमारे मुख्यमंत्री का, वो हम सबको मंजूर होता है, बहुत डिसिप्लिन है हमारी पार्टी के अंदर। हाईकमान का फैसला अंतिम फैसला होता है, जिनके बाद में MLA राय ली जाती है, MLA से पब्लिक ओपिनियन क्या है वो देखा जाता है, हाईकमान भी छोड़ देते हैं प्रस्ताव पारित करके।
फैसला वो करते सोच समझ के, वो सबको मंजूर होता है। सर ये फायदा आपको मिलेगा, बीजेपी से कोई चेहरा नहीं था सामने, सिर्फ ये चुनाव अशोक गहलोत का नाम नरेंद्र मोदी ज़्यादा लगा, बीजेपी का चेहरा नहीं था, इस बात का आपको लगता है कि बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए प्रधानमंत्री जी हो जो कोई हो, कोई जमाना था एक मीटिंग या दो मीटिंग करते थे राज्यों में, गांव-गांव में मैसेज चलाया जाता था कि आज प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है, उसका विश्लेषण होता गांव-गांव में घर घर के अंदर। अब प्रधानमंत्री जी को 30-30 मीटिंग करने पड़ती है, कल तक आए वो एक मीटिंग करने के लिए राजस्थान, मैसेज देने के लिए, तो आप सोच सकते हो कि वो जो भाषा काम ले रहे थे वो सिर्फ इसलिए ले रहा, बार बार पूछ रहे मुझे आप पे अटैक कर रहे थे, इसलिए करते थे उनके दिल में दर्द है, सरकार मैंने गिरा दी मध्य प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र की, राजस्थान गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए हम लोग, वो जो उनके दिल में दर्द है वो झलकता बार बार, इसलिए वो पिन पॉइंट करके जो धावा बोल दिया राजस्थान पे, वैसे कैंपेन उन्होंने किया है।